उत्सव, निरंतर उत्सव, इंडियन आर्म्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लावेदार कॉन्फ्रेंस। भाजपा यात्रा में डॉक्टर फारूक साहब यहाँ यहाँ भी दुनिया में तो लोग जाने वाले उनके दिलों की धड़कन नजीब फरवरी साहब, मलिक साहब, गुप्ता साहब, मेंडर सिंह सार साहब, हनीमदास साहब और भी मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज जिस गर्ज़ुगाज के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो आप सबको सामने रोज़े रोशन की तरह यहाँ आज के इस इलेक्शन में और ये जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट दिया उसकी एक मेरे सामने बड़ी अहमियत। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ एक उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जितना भी कम बोला जाए इलेक्शन है इसमें खतरे भी लगने शुरू हो जाते हैं और भी है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरे मुँह से अल्लाह करे कोई ऐसी बात ना निकले जो आखिरत की के लिए वो अच्छी ना हो। आपने क्या सोच समझ के इस कांची चंची में ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, वो सियासी ही नहीं, जिस खानदान में, समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए जितनी मेहनत इन्होंने की, मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में इस किस्म का कोई आदमी नजर नहीं आया। इसलिए ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं। कई लोग पीरी फकीरी के एतबार से देखते हैं, वो छोटा सा फायदा ढूंढने के लिए इनकी बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ से जो इन्होंने समाज की खिदमत जिस तरीके से इनके वालिद साहब खुदा जन्नत नसीब करे उन्होंने लोगों की खिदमत की और पूरी हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट यहाँ पे अपनी इतनी मसूफिया के बावजूद यहाँ पे पहुंचे। सुबह से लगभग 10:30 बजे से तमाम लोग यहाँ पे जम के बैठे हैं। मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। आज कोई भी बात कहने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जनाब रमन भल्ला जी हमारे कैंडिडेट थे यहाँ, और जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने उस टाइम भी भल्ला साहब को कहा कि भल्ला साहब आप यहाँ पे अपना टाइम ना ज़्यादा ज़ाया करें, आप जम्मू में कोशिश ज़्यादा करें, आप हमारे पुंछ के दामाद हैं, यहाँ पे आपकी शादी हुई है, पुंछ से आपको भरपूर वोट मिलेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 80 से 85% वोट
डिस्ट्रिक्ट पुंछ से रमन बला जी की जोली में डाला। आज का जो इलेक्शन है इसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करो, रजौरी की बात करो या हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, मैं कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और मियां अल्ताफ साहब को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिश 90-95% है, हम इंशाअल्लाह 90% वोट जो है हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशान के ऊपर डाल के कामयाब करेंगे और हमारी कामयाबी होगी। आज का जो ये इलेक्शन है ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है कि अगर हम कहें कि जनाब सड़क की बात है, ढंगे की बात है। पिछले 10 सालों से बीजेपी का एमपी बना और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि काम तो दूर की बात रही, अगर कभी हमें शक्ल भी अपनी दिखा जाता तो हम कहते कम से कम हमें शक्ल दिखा गया हमारा यहाँ का एमपी था। हमें एमपी से इतनी उम्मीद नहीं थी उन पिछलों के साथ, लेकिन अब आने वाले वक्त में जो हालात है जम्मू कश्मीर के और इस पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के खास के अंदर बहुत मुश्किल है लोगों को। अगर मैं राशन की बात करूं तो जो एपीएल बीपीएल का राशन मिलता था वो खत्म है, वो नहीं मिल रहा, और जो राशन हमें मिल रहा है डॉक्टर साहब अगर एक महीना हम उस राशन को घर में एक मुर्गी पाने तो उस मुर्गी को भी वो राशन पूरा नहीं होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत? डॉक्टर साहब हमारी हुकूमत में जब हमारी हुकूमत थी तो बिजलियों के बिल आते थे 105-110 और आज इस बीजेपी सरकार में जब बिजली का नामो निशान नहीं है लेकिन बिजली का बिल 525-900-800 रुपए आ रहा है। और उसके बाद अगर इस गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, मैं ये नहीं कहूंगा इस गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने एक ही काम किया, वो काम ये किया कि जिनकी फोटोस्टेट की मशीनें थी उनको काम बढ़ा दिया। हर जगह पे फोटोस्टेट बहुत होता है कागज, मगर काम नहीं कहीं होता। 5 अगस्त 2019 में जब इस रियासत को तोड़ा गया, दफा 370 तोड़ा गया, 35 तोड़ा गया, रियासत को स्टेट से यूपी बनाया गया, उस वक्त पूरी रियासत को एक जेल में तब्दील किया गया। कश्मीर के अंदर हमारी लीडरशिप और पूंछ के अंदर मुझे खुद 6-7 महीने इन्होंने बंद रखा पानी हमारा भी दिया भाई। और आज जो हालात हैं मैं ये कहूंगा आपको कि कई अपोजिशन पार्टी वाले कहते हैं कि 370 की ये बात करते हैं, ये क्यों बार बार 370 की बात करते हैं? अरे भाई अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहता है कि मैंने 370 तोड़ा 370 तोड़ा, कुछ न कोई वजह तो होगी इस 370 में। जो पूरे हिंदुस्तान में वो 370 की बात करता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 370 को वापस लाने के लिए जंग कर रही है तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर वक्त जो है साथ देगी और उसमें कामयाबी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। वोट डालने नहीं है तो बुजुर्ग बाहर चले गए, फिर 2 घंटे के बाद वापस आए तो कहा जनाब शांति देवी जी वोट डालने आई, उन्होंने कहा शांति देवी जी वोट डालने नहीं है। वो फिर बाहर चले गए, वो करीब 4 बजे के पास आए, उन्होंने कहा सर शांति देवी जी वोट डालने आए, तो उसने कहा कि यार चाचा मुझे बताओ क्या मुश्किलात है, आप सुबह से पूछ रहे हो कि शांति देवी जी हैं कहाँ पर, तो उसने कहा उसको मरे हुए 15 साल हो गए। उसने कहा जनाब मरे हुए 15 साल हुए तो यहाँ क्या? कहते हर 5 साल के बाद वोट डालने आती है, वोट डाल के चली जाती है, घर नहीं आती है। तो ये बात आपको देखनी है कि अपना वोट जो है वो सुबह जल्दी जाल के डालना है, ये ना हो कि आपका वोट पहले ही डाल के कोई चला गया हो और आपको वहां पे मुश्किल हो गई। और जो हमारे एजेंट हैं वो भी अपनी जगह मजबूत रहे, और मजबूती सबसे बड़ी चीज है। हमने यहां से इंशाअल्लाह जिता के जब हम वहां भेजेंगे, मैं लीडरशिप को मियां साहब को तमाम को और भल्ला साहब यहाँ पे आए हैं, इनको पहले भी मैंने जब कहा था कि उनके कंपेयर के सिलसिले में सुंदर बनी
नुशहरा का पार्ट जो था टांडा में, उस पर काफ़ी समुदाय के लोग भी यहाँ पे थे और चोरी में काफ़ी लोग यहाँ पे थे, मुलाकात करते यहाँ पे आए, सब फख्र महसूस करते हैं कि हम मियाँ अल्ताफ जी के हक में वोट डालेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं इनका कैबिनेट में एक साथी रहा हूँ बतौर भाई, जो इनके काम करने का तरीका है हमेशा अवेलेबल रहते हैं, रूहानी दरबारों से जुड़े हुए लोगों की सेवा करते हैं, रियासत की सेवा खूब की, आज देश को इनके सेवा की जरूरत है। ये चुनाव देश को बचाने के लिए, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये चुनाव तानाशाहों से छुटकारा पाने के लिए चुनाव है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चुनाव में वोटों का सही इस्तेमाल यहाँ पे करें। वोटों की ताकत को आप समझते हैं, पहले भी डॉक्टर साहब पूंछ के तमाम आवाम ने, परचोरी पूंछ के आवाम ने 90% वोट हमें दिया पिछले मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में, लेकिन डर के चुनाव उन्होंने रजौरी पूंछ को किसी और खाते में यहाँ पे डाल दिया। लेकिन आज वो जम्मू के जो लोग जिस ढंग से रिएक्शनरी वोट कहीं पे देंगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ वो तूफान इतना चला जम्मू के पार्लियामेंट के चुनाव में, निशानी विकास तमाम नेताओं की निशानी, जब मैं चुनाव में उतरा वो नौजवान जिन्होंने सत्ता तक इनको पहुंचाया था खुल के मैदान पे और सड़कों पे उतरे, बदलाव का संकेत दिया। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंडिया ब्लॉक की छह सीटें जीतेंगे, कठुआ हो जम्मू हो कोई दुनिया की ताकत हो छीन नहीं सकती, ये संकेत देने के लिए बीच में यहाँ पे आया हूँ। आज जरूरत है, आज समय की पुकार है, अब उन बुजुर्गों की पेंशनों को वापस कर पे जिनको भाजपा ने छीन के रख दिया, उन विधवाओं की पेंशन को वापस कर दें जिन्होंने हमारे उन बुजुर्गों के राहत देने का जो साधन था वो छीन लिया, जिन्होंने राशन डिपो पे राशन छीन लिया, हमारे रियासत का दर्जा छीन लिया। आज समय की ध्यान में रखते हुए चुनाव का दौर है, मैं एहसास करता हूँ डॉक्टर साहब ये 10 बजे 10:30 बजे के बाद ये लोग अभी तक बैठे हैं, ये दिल से आपको प्यार करते हैं, ये संकेत देते हैं कि बदलाव देने में रजौरी पूंछ कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ेगा, बढ़ते कदमों को आगे ले जाएगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा और इंडिया ब्लॉक की 6 की 6 सीटें जीत के हिंदुस्तान में वो तख्त को पलटा देगा। क्योंकि आज लोगों को याद है कि 2014 में 2019 में ये नहीं आते, अगर सत्यपाल मलिक का बयान पहले आता कि पुलवामा के शहीदों को जहाज देते तो पुलवामा के शहीदों के नाम पे ये शहादत की सियासत ना करते। आज हम महसूस करते हैं उस सत्यपाल मलिक के बयान को ये भी लोग समझे कि जिन लोगों ने काम के द्वार पे कहीं पे भी भाषण प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, जिन्होंने लोगों की दुखती रख को नहीं पहचाना, आज आप मियां साहब मैं जाति तौर पे गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को दिल से लोग चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू में हमारे कंपेन करने ही चले गए, हमारा फार्म भरवाया, ये दिखा दिया कि इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई किसी किस्म की कताई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब मिलजुल के यहाँ पे चलेंगे। हमारे जो भी कांग्रेस के साथी अगर चुनाव में वोट डालने के लिए जाएं, अगर हाथ का निशान ना मिले तो घर वापस ना जाएं, हल्के निशान में ही वो हाथ का निशान, हमें मिलजुल के इस कारवां को आगे बढ़ाना है, अपनी रियासत का दर्जा फौरी तौर पर लेना है ताकि हम असेंबली के चुनाव की मांग को दोबारा करा लें, वो हक हमारा है, उसे हम छीन के लेंगे, खराब के तौर पे नहीं लेंगे। हम गवर्नर की पोस्ट जम्मू कश्मीर में जो थी उसको वापस बहाल करेंगे। भाजपा जो यहाँ पे प्राक्सी सरकारें प्राक्सी नुमाइंदे यहाँ पे खड़ी कर रही है, अगर भाजपा में दम हो तो तीनों सीटों पे आदमी खड़ा करते, जो राम के बेश में रावण नचाने लगता तब हो तो मैदान में, हमने चुनाव दंड भी लड़ा। और मैं समझता हूँ जम्मू में जो फिजा पैदा हो गई है सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए, वो फिजा पूंछ के अंदर भी हो गया, 25 तारीख में लोग घरों से निकलेंगे। अब बूथ मैनेजमेंट हम सब लोगों ने देखा कि बूथ मैनेजमेंट में पूरे तरीके से हम वोट डलवा दें। लोग बोलते हैं कि भल्ला साहब हमने 90% वोट दिया है जम्मू रीजन में, जम्मू रियासी में, लेकिन इन लोगों का ख्याल रखना कहीं इलेक्टिंग मशीन में गड़बड़ी ना करें। मैंने टेंट लगवा दिए दोनों जगह में, मेरे लोग पहरा दे रहे हैं, हम कमजोर नहीं है लेकिन आपको संकेत देते हैं। ये बहुत अच्छा मौका आया है, ये एक चाबी होगी, ये एक टूल होगा मियां अल्ताफ जी के माध्यम से हम अपनी रियासत को खुशगवार बोल कर दें। दावा देने वाले लोग नोटबंदी हो या बड़े बड़े दावा देने वाले 5 अगस्त 2019 के बाद हो, बीजी की हालत आप लोग देख लो, आज शाहदरा शरीफ की हालत, आर्नाडा प्रॉब्लम देख लो,
आज बसंतगढ़ की हालत देखो, कहां पे सिक्योरिटी है। इसलिए उन चीजों पे मैं ना जाते हुए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मियां ताब जैसी शख्सियत बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। वो लोग जो सुबह नहीं देखते, रात को नहीं देखते, हर वक्त इनका दरवाजा खुला रहता है और तड़प रहती है कि कोई आदमी इनके पास आए, चाहे रोगी की शेप में उनको फौरी तौर पे दवा दर्द असर महसूस कर दे, वो राहत मिले, घर में जाके खुशी के मोल से रहे। आज वही मियां ताब जी आपके सामने आए, ये हमारा फर्ज बनता है। और मियां ताब जी हर एक जात और बरादरी के नुमाइंदे हैं। हम फख्र महसूस करते हैं कि मियां ताब जी के साथ खड़े होके जो हमने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया, इनका काम देखा है। इसलिए हम दिल से आपको यही गुजार करेंगे कि आप सारे जिस ढंग से मेरे को पहले वोट दिया था, आज उससे डबल वोट की जरूरत है, ताकि उन लोगों को तमाचा लगे जो फिरकापरस्ती के नाम पे नफरत की दीवारें खड़ी करके सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन लोगों की अनदेखी की गई। आज वो मौका आ गया 25 तारीख को, आपकी सारी टीम ने, सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे के साथ कंधा मिला के जहाँ पे भी आपकी टीम हमारे लोगों की ड्यूटी लगाएगी, बिल्कुल एक कदम पीछे नहीं होगी, आपसे ज्यादा ताकतवर बन के लोगों के सामने यहाँ पे रहेगी। तो दिखावे की बात नहीं, जरूर है कि मैं समझता हूँ कि देश हित में यही एक मौका यहाँ पे मिलेगा, टूल मिलेगा कि आप वोट का इस्तेमाल करें और वोट के जरिए मियां ताब जी को जता के इंडिया बना के हाथ मजबूत करें। शुक्रिया, जय हिंद। मुखिद होंगे तो ठोकर में जमाना हो, से इतनी मोहब्बत से सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए हम जितना भी शुक्रिया करें वो कम है। यही मोहब्बत जो आपकी है, यही हमारा वोट है, इससे ज्यादा और कोई चीज उसका सबूत नहीं मांगती। मैं जहांगीर मीर साहब का और रमन बल्ला साहब का भी मशकूर हूँ, इनकी पार्टी का भी मशकूर हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस इलेक्शन के टाइम पे कि एक आदमी को दूसरे आदमी का चेहरा पसंद नहीं होता, ये हर जगह होता है, ये सिर्फ आपके पूंछ में नहीं होता है, ये मेरे कमन में भी होता है, गांधरपुर में भी होता है, जम्मू में भी होता है, हर जगह होता है। इस वक्त हमें वोट दें, आपके वोट की ज़रूरत है, बाकी इतफाक होते रहते हैं। अभी पंचायत के इलेक्शन भी आएंगे, डीडीसी के भी आएंगे, बीडीसी के भी आएंगे, असेंबली के भी आएंगे, तो अभी काफ़ी वक्त है उनको उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन इस वक्त जो वक्त है, खासतौर पर मैं पूंछ के हवेली कंजेंसी के लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस वक्त के हालात को देखते हुए हमारा साथ दें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं उन सबसे अपील करता हूँ, आप जो पूंछ रजौरी वाले लोग हैं, आपको पता है कि इस इलेक्शन को बिला वजह पोस्टपोन किया गया। ये कहा गया कि एक सड़क पे पसी आ गई, इसलिए पूरा पार्लियामेंट इलेक्शन जो है उसको आप पोस्टपोन कर दो। ये तारीख में कभी नहीं हुआ, इसकी मिसाल नहीं कभी आपको मिलेगी कि पसी, उस पसी से, मुगल रोड की पसी से जो आई भी नहीं थी, लेकिन उससे किसी ने भी पावर वोट देने नहीं जाना था, ना शुक्रिया से यहां वोट देने किसी ने आना, लेकिन बहाना था आपको तंग करने का, क्योंकि आप उन लोगों के साथ न पहले चले न अब चले। फिर आपकी जो कॉन्सेंसी बनाई गई, मैं कहता हूं मैं तो एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो कम अज कम हर इलाके को जानता हूं, दूसरों को तो आप पूछो उनका कॉन्सेंसी का जोग्राफिया पता नहीं लगेगा, वो हाँ करते रहेंगे मगर उनको पता नहीं लगेगा। ये मुझे इस कॉन्सेंसी में आकर यह एहसास हुआ, मैंने पहले भी कहा कि इस कॉन्सेंसी को जिस तरीके से बनाया गया है, वो जो बीबीसी लंदन की चैनल है या वो डिस्कवरी चैनल है, उसको इस कॉन्सेंसी में भी एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। इसका होलिया इतने बिगाड़ा है, इतना प्रोग्राम बनाया है आप लोगों को तंग करने का कि जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। अगर अनंतनाग और पुलवामा वालों से नाराजगी थी तो रजौरी पुंछ वालों से क्या नाराजगी थी? आप तो 80% 70% 90% प्रोग्राम करते रहे, तो आपको तंग करने का क्या फायदा?
आपको इस तरह तकसीम करने का क्या फायदा था। आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है संतन टॉप से, फिर वहां से गोरू आता है, फिर उसके बाद काजीगुंड आता है जो बानहाल के साथ मिलता है, फिर उसके बाद दमाल आजीपुरा आता है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता है, फिर बची जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता है, बीच बहाड़ा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता है, फिर उसके बाद नौशहरा जम्मू के साथ मिलता है, फिर उसके बाद आप देखिए कोट चरवाल कहाँ है, आप इसे तो गया ही नहीं, नाम सुना होगा, खवास कहाँ है, बुदल कहाँ है, बकोरी कहाँ है, मंडी जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलती है, बालाकोट जो है वो बॉर्डर के साथ मिलता है। तो यहाँ कैंडिडेट क्या करेगा, तो वोटर क्या करेगा, तो चलो मेरा जैसा होगा तो कोई वागत जाता होगा, आप बोल देंगे यार उसको बोल देना फलानी मसला था या कागज यहाँ किसी की पेश नहीं लगेगी, इस तरीके से बनाएंगे। यानी कोई जिसका कोई जवाब नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि आप लोगों के साथ इलेक्शन में पोस्टपोन किया गया, हल्का भी इस किस्म का बनाया गया कि जितना आप उससे तंग हो सके, यहाँ कोई एमपी बने जितना वो तंग हो सके, और इसी हालात को ये सब कुछ उन लोगों ने ताकत के नशे में किया। जब आदमी ताकत के नशे में होता है तो वो फिर जमीन पे नहीं देखता, वो कहता है जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, फिर कल हम देखेंगे क्या होगा। तो जब 2 साल 1.5 साल के बाद उन्होंने जमीन देखी तो जमीन खिसकी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने तो इतना कुछ किया था कमरे में बैठकर, मगर ये तो हमने सब उल्टा किया है, अब अगर सब उल्टा किया तो हम कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करते, एहसास उनको अब हुआ इस बात का। और डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बदनाम हुआ, हिंदुस्तान का डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसने जम्मू कश्मीर में काम करके बदनामी हासिल की, उसने नेकनामी हासिल नहीं की। जिस तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को किया गया, दूसरे हलकों को किया गया, कितना अच्छा होता अगर वो डीलिमिटेशन के कमीशन के लोग आपके रजौरी पुंछ में आते, तो आपके रजौरी पुंछ को देखते, आपके बॉर्डर को देखते, तो वो ज़रूर कहते जो डॉक्टर फारूक साहब भी कहते हैं और जो हमारी डिमांड आगे से रहेगी कि रजौरी और पुंछ का एक अलग पार्लियामेंट आता होना चाहिए। आप इसके हकदार हैं, आप पे कोई एहसान नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसाफ पर कोई चीज़ होती तो फिर आपका हल्का जरूर बनता, लेकिन ये बेइंसाफी थी, ये वैसी ही बेइंसाफी थी जैसे पूरी स्टेट को तोड़ा गया, 2 यूटी बनाई गई, लेकिन लोगों ने फैसला कबूल नहीं किया, लद्दाख के लोगों ने ये फैसला कबूल नहीं किया। लद्दाख में आज भी एजुकेशन है, करगिल में इलेक्शन हुए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस बना, बीजेपी 2 सीटों पर है। जब बाला साहब इंशाल्लाह एमपी बनेंगे, जब इनका इलेक्शन शुरू हुआ उधमपुर और जम्मू में, तो लोगों की ये राय थी कि ये दोनों सीटें बीजेपी की जेब में है, इस कांग्रेस को तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, इसको तो कोई एजेंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन के एक्टिविटी बढ़ती गई, जब लोग निकले बाहर, जब जलसों में आने लगे, जब बाला साहब को उन लोगों ने बुलाया जिनको इन्होंने कभी कभी नहीं बुलाया जब ये मिनिस्टर थे, वो तब नहीं गए जब ये मिनिस्टर थे, जब ये कांग्रेस के बड़े अहदेदार थे, जब कांग्रेस पावर में थी, लेकिन आज हर एक ने इनके दरवाजे पर अप्रोच की। जब अप्रोच की तो सारी दुनिया हैरान हो गई कि 10 दिन पहले तो हम कहते थे कैंडिडेट नहीं मिलता, आज तो इनके जलसों में खुद जा रहे हैं। इन बेचारों के पास, कांग्रेस के पास कौन सा पैसा था कि ये ट्रांसपोर्ट लगाते, ये लोगों को बुलाते, ये शामियाना लगाते, हजारों की तादाद में लोग डेली आने लगे। तो लोगों को वो गुस्सा था जो उनके साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, तो उसके बाद आपकी नौकरी गई, आपकी ज़मीनें गई, आपके काम गए, रिश्वत बढ़ी, सब कुछ हुआ, तो वो गुस्सा था। जब मौका मिला तो उन्होंने कहा बाला साहब आप हमारे एमपी हो, उन्होंने अपना फैसला दे दिया। किसी से भी आप पूछिए, आप किसी भी वाकफ कार को मिलेंगे वो आपको यही कहेगा अखनूर में भी कांग्रेस को वोट मिला है। मैं आज आपको कहता हूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को वोट मिला है, आरसपुरा में कांग्रेस को मिला है, जम्मू प्रॉपर में कांग्रेस को मिला है, और अब बाला साहब ने उसकी हिफाजत के लिए आदमी भी बिठा दिए, बहुत अच्छा किया। तो ये एक तब्दीली लोग अंदर से खुद फील कर रहे हैं, वो खुद महसूस कर रहे हैं कि अगर इस वक्त
इस रियासत को कोई बचा सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम बचा सकती है, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बचा सकते हैं, इनके बगैर कोई और आदमी इसको नहीं बचा सकता। इसीलिए काजीगंज से लेके मंडी पुंछ तक, पुंछ के शहर तक आज ये लहर चल रही है। मैं जब गोरू में जाता हूँ तब भी ऐसा ही जलसा होता है। आप सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, मैं नहीं देखता। हम पहलगाम में जलसा करते हैं उसमें भी इतनी तादाद होती है, हम कुकरनाग में जलसा करते हैं तब भी इतनी तादाद होती है। हम खुद ये फील करते हैं, डॉक्टर साहब खुद ये फील करते हैं कि 1987 के बाद पहली बार इस जमात को और डॉक्टर फारूक साहब को लोगों ने इतना अहमियत दिया। और हम ये चाहते हैं कि हम इंडिया अलायंस का पार्ट होते हुए, कांग्रेस एन सी इकट्ठे होते हुए, जिस तरह मुल्क में सारा सेकुलर गठबंधन बना है, हम उसका पार्ट रहकर मुल्क में भी तब्दीली लाएं, जो बहुत ज़रूरी है। हम एक सेकुलर हिंदुस्तान को चाहते हैं, हम सेकुलर हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं। हम सारे हिंदुस्तानी हैं यहाँ बैठे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान अगर किसी चीज़ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है तो वो अपने सेकुलरिज्म के लिए, और सेकुलरिज्म के बाद वो अपनी जमहूरियत के लिए मशहूर है, वो अपनी आज़ाद अदलिया के लिए मशहूर है, वो आज़ाद प्रेस के लिए मशहूर है। आज इन चारों चीज़ों पर सालिया निशान है कि क्या ये चीज़ें बरकरार रहेंगी हिंदुस्तान को, जिसकी वजह से सारी दुनिया में हिंदुस्तान मशहूर है। हम उस हिंदुस्तान को चाहते हैं, और हमारा जो नारा भी है वो यही है कि हिंदू सिख मुसलमान ये सब भाई भाई हैं। ये पुंछ शहर जो है, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है, ये गुलदस्ता, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू बरादरी के लोग भी रहते हैं, सिख बरादरी के लोग भी रहते हैं। तो हमें खुशी होती है जब हम यहाँ का भाईचारा देखते हैं, और इस भाईचारा को कायम करने के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनके हकूक के लिए 1933 से शेख मोहम्मदुल्लाह ने लड़ाई शुरू की। वो 1933 से की, आपके जो दादा परदादा थे वो शेख साहब को अकीदत से उनका क्या नाम लेते थे। अगर किसी ने कोई रोशनी दिखाई इस पुंछ में, अगर लोगों को ज़मीनों का किसी ने हक दिया तो किसने दिया? वो शेख मोहम्मदुल्लाह ने दिया। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो वो किसने दी? शेख मोहम्मदुल्लाह ने दी। यहाँ सड़कें बनाई, अस्पताल बनाया, एजुकेशन सेक्टर में तब्दीलियाँ लाई तो किसने लाई? शेख साहब ने लाई। शेख साहब ने इस रियासत के लिए, इस रियासत में सब लोगों के लिए, कि उनको ये एहसास हो कि ये जमात सब के लिए है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नाम तब्दील करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा, इसीलिए रखा, और इसीलिए ये जमात आज तक चलती रही। इसकी कामयाबी हज़ार दुश्मनियों के बावजूद, इसको मिटाने के बावजूद ये नहीं मिट सकती, ये चलती रही, ये आगे बढ़ती रही, क्योंकि नीयत ठीक थी और लोगों का प्यार जो था वो था। आज भी जो पुंछ के शहर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, किसी भी मज़हब के हैं, जात बरादरी के हैं, उनकी इतनी मोहब्बत मुझे मिली है। मैं तो वैसे पुंछ वालों का बच्चा हूँ, आपको मुझे आपका ये फर्ज बनता है, मैं हूँ पुंछ का बच्चा, मेरी माँ तो पुंछ की थी, तो इसलिए आपको तो खुशी महसूस होनी चाहिए किसी जात बरादरी का हो, किसी मज़हब का हो। लेकिन फिर भी जो मुझे रेस्पॉन्स मिला हर बरादरी और हर मज़हब के लोगों से, उसकी मुझे भी तवक्का नहीं, इतनी तवक्का मुझे भी नहीं थी जितनी मोहब्बत और प्यार जिस तरीके से लोग मुझे मिलने आए, जिस तरह से हमारे लोग आए उनको मिला, और जिस तरीके से हमें कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको अच्छा आदमी समझते हैं, आपकी पार्टी को आज के हिसाब से अच्छा समझते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बाकी रजौरी पुंछ के अपने मसले हैं। सबसे बुरा हाल तो आपकी सड़कों का है, जम्मू से कोई पुंछ आए तो देखिए कि क्या हाल है सड़कों का। आज हमें शुक्रिया से बफरियाज कम टाइम लगा जितना हम बफरियाज से शुरू कर रहे हैं, तो कोई चीज़ यहाँ की बनी हुई नहीं है। ये लगता नहीं है कि यहाँ बीजेपी का प्रोग्राम ही हर चीज़ को खोलना था, बनाने का था ही नहीं था। तो बड़े बड़े मसले हैं, अगर हमें अल्लाह ताला मौका दे
तो आपकी मुझे सबसे पहले धन्यवाद। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी पुंछ में होना चाहिए, बहुत बड़ी चीजें हैं जो यहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डॉक्टर फारूक साहब के कहने पर हमने 96 के बाद बड़ी मदद किया, जब ज्यादा हालात इतने खराब थे तो हम आपके पास पहुंचते थे डॉक्टर साहब खुद को, आप इस बात के गवाह हैं। यहाँ कोई अस्पताल काम नहीं करता, यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे भी बम गिरते थे, लेकिन हमने उन चीजों की परवाह नहीं की। हमने आपकी तकलीफें देखी, आपकी परेशानियां देखी कि आपको कोई तंग ना करे। तो जो भी हालात बनते रहे हम हाजिर रहे, हमने कभी भी हालात के डर से मुंह नहीं मोड़ा। आपकी खिदमत जो है वो हमेशा उस हम फख्र से कह सकते हैं कि कोई आप में से उठ के कोई पुंछ का ये नहीं कह सकता कि हमने कभी किसी की बात ना सुनी हो, कोई उसका जायज काम था वो ना किया हो, कभी उसको ये कहा हो कि हमसे नहीं हो सकता है, या किसी से किसी के मजहब के बारे में पूछा हो, जात के बारे में पूछा हो, कोई आदमी ये नहीं कह सकता, हमें ये फख्र से कह सकता। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप आज के हालात में इस हम इसको यूनिटी मानते नहीं, लेकिन इस रियासत की बेहतरी के लिए, इसके हर बंदे की बेहतरी के लिए आप ये करें। बल्ला साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, तो हमने उस वक्त बड़ी मुश्किल से आपकी जो ये रोड है जहाँ से टनवर्क, वो ये मेरे पास दो बार आए, मैंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस दी, इन्होंने रेवेन्यू के वो कागजात जो है वो क्लियर किए, वो प्रोजेक्ट शुरू किया, और आज इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट में भी आप बहुत जल्द मुकम्मल होना है। तो आप ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे गुलमर्ग देखने के लिए, आप चरार शरीफ जल्दी पहुंच जाएंगे, आप गुम्बद जल्दी पहुंच जाएंगे, आप लाल चौक जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो भी हमने जब हमारी हुकूमत थी 2009 से 2015 तक, तो ये बड़ी चीज़ थी जो हम पुंछ के लिए कर सकते थे, हमने की। पिछले 6 साल से काफ़ी मसले हैं, कुछ लोग आपके पास आते हैं, यहाँ लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन जो ये तबाही यहाँ पे हुई है आप सबको 2014 में जिन लोगों ने हाथ मिलाया, गवर्नमेंट मुतफिका तौर पे बनाई, वो बिल्कुल इसके जिम्मेवार हैं जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, वो इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो इस बात से मुबर्रा नहीं हो सकते हैं जिनकी वजह से हम ये सब मुसीबतें जो हैं आज देख रहे हैं। लोगों को बांटने की कोशिश की, बुलाया था कुछ लोगों को तुरे बांध के और उनको इस्तेमाल करना चाहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, मगर वो कहते हैं जिनको उस पर भरोसा है और तला तुम खैज मौजों से घबराया नहीं करते। सर भाजपा बार बार कह रही है कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहा है भाजपा? सर जिस तरह से भाजपा कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तानी पहले भी ये कहते थे, हर कोई नई बात है, वो जो हमारे साथ है वो भी कहते थे, मगर फारूक अब्दुल्ला तो हिंदुस्तान में ही है, वहाँ मुझे वहाँ जिंदा ही वो नोट्स देंगे। सर जो आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन लग रहे हैं उसको क्या लगता है कि उसको दिल्ली में क्या करने की कोशिश कर रही है भाजपा? जनाब जिन लोगों ने पाकिस्तान के पैसे यहाँ बांटे, जिन लोगों का नाम मेरे पास एज मुख्यमंत्री पहला था जब अडवाणी जी ने मुझे लिस्ट भेजी 20 की, वो आज इनके प्यारे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हम पाकिस्तानी, वो दले हिंदुस्तानी। चलो।